इम्तियाज साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैंने जैसे कहा पत्रकार से नेता, तो आप पत्रकार से नेता कैसे बन गए? मनोज भाई इसे आप एक इत्तेफाक कहिएगा, एक एक्सीडेंट कहिएगा, हादसा कहिएगा, किस्मत कहिएगा, कुछ भी कहिएगा, लेकिन मैंने मेरे बिल्कुल जहन में भी नहीं था कि मैं कभी पत्रकारिता छोड़ के राजनीति के अंदर आऊँगा। लेकिन मैंने 24 साल पत्रकारिता की है, टेलीविज़न में भी काम किया है और उतना ही समय मैंने अखबार के लिए भी काम किया है। और इस दौरान मैंने 24 सालों के पत्रकारिता के सफ़र में पत्रकारिता के बदलते रूप को भी देखा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि नहीं अब पत्रकारिता नहीं करेंगे करके, तो सोचता था कि पत्रकारिता छोड़ के किसी पत्रकारिता के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे बच्चों को जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ाएंगे सिखाएंगे। लेकिन महज इत्तेफाक था कि मैं पूना में बेस था और मैं पश्चिम महाराष्ट्र देखता था, वहाँ से मैं रिज़ाइन करके मैं औरंगाबाद चले गया। महज 22 दिन बचे हुए थे इलेक्शन के लिए और जब औरंगाबाद पहुँचा तो मेरे पूरे दोस्त लोग मुझसे बस यही बात करते थे, इलेक्शन इलेक्शन, कौन खड़े रह रहा, क्या खड़े रह रहा है। तो कुछ लोग जो खड़े रह रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस होता था कि ये लोग कैसा नुमाइंदगी करेंगे इस शहर की, कि मतलब जो खुद इतने शेडी कैरेक्टर्स है, इनके ऊपर इतने तरह के आरोप है, जिनका खुद की छवि इतनी ख़राब है, वो मेरा नेतृत्व कैसा करेंगे। तो मैं मेरे कुछ दोस्तों को कहता था कि यार खड़े रहो, कोशिश तो करेंगे हम। तो एक दिन ऐसे ही बैठे थे, एक दोस्त ने कहा कि यार तूने तो नौकरी भी छोड़ दिया है, तू क्यों नहीं कर लेता है करके उसमें। तो मैंने सोचा कि हाँ सही है, मैं दूसरों को क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कोशिश करता हूँ। तो मैंने कोशिश किया और जब फैसला लिया कि इलेक्शन लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल था। लेकिन असद अवैसी साहब को मैं कई सालों से जानता था, उनको फॉलो करता था, उनसे कई मरतबा बातचीत भी होती थी। क्यों तो मैंने कहा कि चलिए AIMIM से ही लड़ेंगे करके। एक तो ये था, उसकी वजह ये थी कि आज इस देश के अंदर मुस्लिम वॉइस नहीं है, मुस्लिम लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी। जो कोई भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज थे, उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप नहीं करने दिए। तो मैंने सोचा चलिए असद साहब के साथ चलते हैं, और वो सफ़र को मैंने शुरुआत की। 22 दिन थे, 22 दिन के अंदर मैं MLA बन गया औरंगाबाद शहर से। खुशी की बात यह है कि मैं जिस सदन के अंदर, महाराष्ट्र के सदन के अंदर, महज 6 महीने पहले वहाँ पर एज अ रिपोर्टर बोल के गया था कवर करने के लिए, 6 महीने के बाद जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो मैं उसी सदन के अंदर एज एन MLA बोल कर गया। तो मेरे साथ जितने भी मेरे पत्रकार मित्र थे, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, रिपोर्टर्स, ये लोग थे, तो महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर आप सीढ़ियों तक आ सकते हैं, पत्रकारों तक की लिमिट वहाँ पे है, आप इसमें मीडिया गैलरी में बैठ सकते हैं, लेकिन अंदर जाते वक्त एक लिमिट है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये लोग सब मेरे पीछे आ रहे थे और मैं वहाँ पे पलट के बोला कि मैं बोला तुम लोग रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ करके। तो एक हंसी मजाक के माहौल के अंदर मैं वहाँ पर गया, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे जितनी खुशी थी वहाँ पर पहुँचने की, मेरे पत्रकार मित्रों को भी उतनी ही खुशी थी कि चलिए हमारा में से एक बंदा लोगों के बीच में से चुनकर आया है। वरना जनरली पत्रकारों का ये होता है कि वो या तो वो विधान परिषद में चले जाते हैं या राज्यसभा में चले जाते हैं, चुनकर बहुत कम पत्रकार आते हैं। तो मैं चुनकर आया था, तो मुझे उस बात का भी बड़ा खुशी। बिल्कुल, चुनकर आप पहले विधायक बने औरंगाबाद क्षेत्र से ही, उसके बाद आप सांसद भी चुने गए। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कितनी हुई? देखिए मनोज भाई, मैं औरंगाबाद में ही पला बड़ा हूँ, मेरा एजुकेशन औरंगाबाद में ही हुआ। मैं औरंगाबाद से एजुकेशन हासिल करने के बाद मैं वहाँ के एक बड़े अखबार में वहाँ पे नौकरी की, 12 साल वहाँ पर नौकरी की। और जब टेलीविज़न का दौर आया तो मैंने टेलीविज़न के अंदर स्विच ओवर किया, तो मुझे ऑप्शन दिया गया था कि मुंबई या पुणे, तो मैंने पुणे लिया था। और मैं पुणे में जाके एक टेलीविज़न कंपनी के साथ, न्यूज़ चैनल के साथ मैं करीब 12 साल उनके साथ काम किया। और बस औरंगाबाद से ही एक लगाव था, लेकिन 12 साल जब मैं पुणे था तो औरंगाबाद से कुछ एक रिश्ता ख़त्म हो गया था। महीने में एक आध मरतबा चक्कर ले मारने चले जाता था, मेरी माताजी वहाँ पर है तो माताजी से मिलने के लिए चले जाता था, बस इतना ही एक ये था उसमें। तो जब मैं इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया तो लोग इस तरह से मिलने के लिए आते थे कि ये कौन बंदा है, 22 दिन पहले कहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जीतने का दावा भी कर रहा है। तो किसी अजूबे को देखने के लिए जैसा लोग आते हैं,
तो उस तरह से लोग झुंड बनाकर भीड़ बनाकर मेरे पास देखने के लिए आते, अच्छा ये है इम्तियाज जलील जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है करके। लेकिन एक ये था कि लोगों को भी एक बदलाव चाहिए था, और वो बदलाव मैं समझता हूँ लोगों ने उस वक्त मेरा साथ देकर किया। जी क्या परिवार में कोई व्यक्ति राजनीति में पहले था, या राजनीति आपको विरासत में मिली, या आप पहले से कोई सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे? मनोज भाई, दूर दूर तक मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, दूर दूर तक ना सादा कोई जिला परिषद का मेंबर है, ना कॉरपोरेटर है, ना काउंसिलर है, कोई भी नहीं है राजनीति के अंदर। तो जब मैंने जाने का फैसला किया तो सब जने मेरा मजाक कर रहे थे। मतलब मैं जिस दिन फैसला किया, रात में सुबह उठा मैं, मेरा भाई जो है वो एयरलाइंस में सीनियर मैनेजर था, तो वो ऑफिस जा रहा था, तो मैंने बोला कि यार भाई मैं सोच रहा हूँ इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो इतना कैजुअली लिया, यार तुम सुबह सुबह कुछ भी मजाक करते हैं करके वो लेके निकल गया। तो मैं जिसको भी बोल रहा, घर के परिवार वालों को तो कोई सुनने के लिए, मेरी माताजी उस वक्त दुबई में थी मेरे बड़े भाई के पास, तो मैंने माताजी को फ़ोन करके बोला कि मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं करके। तो माताजी सोची कि अब ये नौकरी वोकरी इसकी है नहीं, इसका कुछ दिमाग विमाग ये हो गया है, तो वो मुझे वहां से समझा रही कि नहीं तुम एक काम करो, तुम छुट्टी उट्टी के ऊपर चले जाओ, कहीं घूम फिर के आओ। तो मैंने कहा कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन लड़ना है करके। उसमें तो घर का कोई भी, मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं थी कि लड़ना नहीं लड़ना, सिर्फ मेरा एक लड़का था उस वक्त, वो 12th स्टैंडर्ड के अंदर था, तो मैं उसको बोलता था, मैं बोलता था यार बेटा मैं लड़ लूँ क्या, फैजी नाम है उसका, मैं बोलता फैजी लड़ लूँ क्या, तो बोलता था डैडी लड़ लो क्या होगा, हारेंगे या जीतेंगे करके। तो मुझे कोई ना कोई एक सहारा चाहिए था, तो वो लड़का मुझे सहारा मिल गया था, और मैं बोला चलो कोई ना कोई तो है मेरे पीछे खड़े रहने वाला, तो मैंने कदम रख लिया और ऐसी जीत हुई साहब कि मेरे खिलाफ तीन सिटिंग एमएलएज थे, एक सेना का, एक भाजपा का और एक कांग्रेस का, वो तीनों को मैं हरा कर 20,000 की लीड से चुनकर आया था औरंगाबाद के अंदर। सिर्फ लोगों को ये था कि पत्रकारिता मेरी देखे थे उन्होंने 24 सालों के अंदर, मैं बहुत सारे मुद्दे लेता था, और बहुत पत्रकारिता के साथ साथ मैं एक एक्टिविस्ट बन जाता था जब मैं कोई स्टोरी करता था, तो मुझे बड़ा मैं जद्दोजहद के साथ वो स्टोरी करता था, तो लोगों ने वो उस काम को देखा था, इसी वजह से लोगों ने सोचा कि नहीं चलो इसको मौका देकर देखें। इम्तियाज भाई, आप क्षेत्र से एमएलए रहे, 5 साल आप करीब एमएलए वहां पर रहे, इस दौरान अगर मैं बात करूं आपके क्षेत्र की समस्याओं की, तो आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है, रेलवे का बेहतर प्रबंधन वहां पर नहीं है, कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, सूखे की समस्या भी आपके क्षेत्र में है, कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जैसे कुछ तो मैंने बताई आपको, और उन समस्याओं के समाधान के लिए आपने विधायक के रूप में क्या किया? देखिए मनोज साहब, बिल्कुल सही है आपने जितने भी समस्याएं गिनाए हैं, और उससे ज़्यादा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। औरंगाबाद शहर 1980s में ये एशिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी के अंदर गिना जाता था, इतनी तेज़ी से हमारा वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन महज 20-25 सालों के अंदर हम इतने पीछे हो गए थे। और कहीं ना कहीं अगर इसके लिए कोई दोषी है तो हमारे वहाँ की राजनीति उसके लिए जिम्मेदार थी कि जो मुद्दे जो नहीं उठाने चाहिए थे वो मुद्दे उठाए जाते थे, और डेवलपमेंट बहुत पीछे रह गया था। पानी का मसला, मैं ये समझता हूँ कि पानी का मसला औरंगाबाद शहर के अंदर ये कोई मसला नहीं था, लेकिन उसे क्रिएट किया गया था। क्रिएट करने की वजह ये थी कि औरंगाबाद शहर के ऊपर एक प्राइवेट कंपनी को लादा जा रहा था, जो औरंगाबाद शहर का पूरा पानी आपका ठेका वो खरीद रहे थे, ले रहे थे 20 सालों के लिए, और वो एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता की कंपनी थी। तो मैं उसका जमकर विरोध किया, मैंने कहा कि पानी भी अगर तुम अगर इसका धंधा करना शुरू कर डालेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से राइट टू लाइफ है, वाटर इज़ अ राइट टू लाइफ, अगर आप इसका भी अगर सौदा और इसका भी अगर कारोबार करना शुरू कर डालेंगे तो गरीबों के लिए बड़ी दिक्कत जाएगी। तो मैं अकेला था जिसने तो इस स्कीम का बड़ा जमकर विरोध किया। उस दौरान मुझ के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, कई जगह से धमकियां आई कि साहब इसके क्यों पीछे पड़े हुए हैं आप, ये है, लेकिन मैं डटे रहा। और आज मुझे खुशी है कि वो कंपनी को हमने वापस भेजा है, अब गवर्नमेंट ने ये मानी है कि नहीं हम ये खुद से काम करेंगे, जो बात मैं 2014 से कहते हुए आ रहा था। उसमें औरंगाबाद में रेल कनेक्टिविटी का मसला, पिछले कई सालों से कहीं रेलवे का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। अभी महज एक 15 दिन पहले रेलवे की मीटिंग हुई नांदेड़ के अंदर जनरल मैनेजर और साउथ सेंट्रल रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स के साथ, तो मैंने सोचा कि भाई अगर इतने सालों से लोगों की मांग है कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने उस मीटिंग के अंदर कहा कि अगर इस बजट के अंदर अगर मराठवाड़ा को अगर कुछ नहीं मिलेगा
तो हम दूसरे दिन है तो पूरे मराठवाड़ा के अंदर रेल रोको आंदोलन करेंगे, हम रेल चलने नहीं देंगे। तो हमको ऐसा लग रहा है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा, क्योंकि आखिर में ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम कई कई सालों से चिल्लाते आ रहे हैं कि हमको बम्बई के लिए ट्रेन्स दीजिए, हमको औरंगाबाद में एक पिट लाइन दीजिए, औरंगाबाद से 40 गाँव महज 28 किलोमीटर का ये है डबल लाइन का, तो ये सब काम है कई सालों से प्रलंबित है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार ये होगा। दूसरा ये है कि औरंगाबाद का एयरपोर्ट पूरे मराठवाड़ा का सबसे पुराना एयरपोर्ट था, एक ही एयरपोर्ट था, और वहाँ पर कोई फ्लाइट्स ही नहीं, महज 2 फ्लाइट्स रन करते थे, एक मुंबई को जाती थी, एक दिल्ली जाती थी, अभी बीच बीच में एक हैदराबाद की एयरलाइन स्टार्ट हुई थी जो कभी कभी उड़ती है कभी नहीं उड़ती है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं जब से खासदार चुनकर आया है औरंगाबाद शहर के अंदर पिछले 3 महीनों के अंदर हमने 8 नए सेक्टर्स स्टार्ट किए हैं, 8 नए औरंगाबाद से 8 नई जगह के ऊपर हमारी फ्लाइट्स आज ऑपरेट हो रही है महज 3 महीने के अंदर। इसके लिए मैं अकेले क्रेडिट लूँगा ऐसा नहीं है, औरंगाबाद के ट्रैवल एसोसिएशन वाले मेरे साथ में थे, टूर ऑपरेटर्स मेरे साथ में थे, ये लोगों ने भी बहुत जमकर मेहनत की, तो इस वजह से आज हमने एयरलाइन को डेवलप कर लिया। औरंगाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी भी था लेकिन वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं जनरेट हो रहा था कि नई इंडस्ट्री नहीं आ रही थी। अब हम नई इंडस्ट्री को आने के लिए बोलते थे तो वो कहते थे कि आपके पास तो हवाई जहाज ही नहीं है, हम आएंगे कैसा, बाय रोड आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा यहाँ पर, अगर मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ तो अजंता एलोरा जो है उसी के आसपास हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में ही वो पड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूरिस्ट वहाँ पहुँचें, इसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, इसके लिए कुछ आपने किया? देखिए मनोज भाई, पूरी दुनिया के अंदर 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो वो मेरे शहर के अंदर है, मेरे ज़िले के अंदर है, औरंगाबाद के महज 30 किलोमीटर पे एलोरा है जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, और 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अजंता है। यानी कि 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पूरी दुनिया में नहीं है, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास फॉरेन टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, हमारे पास रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। टूरिस्ट आ तो रहा है इंडिया, ताजमहल देख रहा है, जयपुर चले जा रहा है, लेकिन औरंगाबाद नहीं आ रहा है क्योंकि उसको एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। अब एयर कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से मुझे कल ही डेटा मिला है कि महज 1 महीने के अंदर 7,000 टूरिस्ट हमारे बढ़े हैं, तो ये 1 महीने के अंदर की बात कर रहे हैं। हम अगले साल तक उम्मीद करेंगे कि हम ये फिगर को हम 70,000 तक कैसा लेकर जा सके, क्योंकि हमारे पास एक ऐतिहासिक धरोहर इतना बड़ा है और उसको अगर हम सही तरीके से मार्केट नहीं कर पा रहे हैं तो खुसूर उनका नहीं था, खुसूर हमारा ही था कि हम लोगों ने उसे अनदेखी कर दिए थे, लेकिन आज ये दोबारा रिवाइव हो रहा है। औरंगाबाद के अंदर जैसा मैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता था तो बहुत सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, स्कोडा कंपनी है। अब स्कोडा कंपनी के फॉरेन डेलीगेट जब आते हैं तो नेचुरली वो सिर्फ कंपनी नहीं, वो टूरिस्ट ये भी देखने के लिए जाते हैं। तो आज जब एयरलाइंस बड़ी है तो टूरिज़्म का फ्लो भी बड़ा है और इंडस्ट्रीज़ भी अब दोबारा सोच रही है कि हम औरंगाबाद में इन्वेस्ट करेंगे। अब जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो नेचुरली मेरे क्षेत्र का जो ये है अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो भी कम होगा। तो शुरुआत तो हुई है मनोज साहब, काम बहुत करना है। आपसे बातचीत करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कोई पत्रकार नेता बनता है, सांसद बनता है, तो जाहिर तौर पे उसने सिस्टम को बहुत करीब से देखा होता है, वो सिस्टम की खामियां अच्छे से जानता है, उसे काम निकालना भी आता है, काम करवाना भी आता है। इसलिए कुछ और सवाल भी हैं औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे पास, इम्तियाज भाई से उससे भी जानने की कोशिश करूंगा कि उन समस्याओं का समाधान वो कैसे करेंगे। 17वीं लोकसभा के वो सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं, एक सांसद के रूप में उनका क्या विजन है, इसे भी जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सांसद से संवाद, और सांसद संवाद में इस बार हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील साहब से। इम्तियाज साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया राजनीति में आपका कैसे आना हुआ, पत्रकार से आप नेता कैसे बने और पत्रकार से आप सांसद कैसे बने, विधायक कैसे बने। हमने एक आपकी दिलचस्प कहानी, जीवन की जो आपकी एक दास्तान है उसको और सुना, लेकिन एक सवाल मन में आता है, आपने ओवैसी साहब की पार्टी को ही क्यों चुना? शुरू में आपने कहा कि मुसलमानों की आवाज़, आमतौर पर जो लोग राजनीति में आते हैं, क्या हिंदू मुसलमान के नज़रिए से आपने देखा इसको?
कुछ हद तक मनोज साहब ये सही है कि एक हकीकत ये है कि इस देश के अंदर मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया गया है। जो भी सो कॉल्ड मुस्लिम सेकुलर पार्टीज़ थे, उन्होंने मुसलमानों के वोट तो लिए हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप नहीं किया, चाहे वो स्टेट लेवल के ऊपर हो या नेशनल लेवल के ऊपर हो। मैं आप खुद से सवाल करना चाहूँगा, आप देश नेशनल लेवल के ऊपर आप मुझे बताइएगा कि कितने मुस्लिम लीडर्स है। जैसा ही कोई मुस्लिम लीडर खड़े रहा तो उसको इस तरह से दबाव, ये कम्युनल है, ये जातिवादी है, ये धर्म की राजनीति करता है, बाकी सब करे तो सब चलता है। लेकिन जहाँ पर अवैसी साहब जैसा एक नेता खड़े रहता है तो अवैसी साहब के ऊपर, उनके हुलिये के ऊपर नुक्ताचीनी की जाती है, उनके बोलने के लहजे के ऊपर नुक्ताचीनी की जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगा कि माइनॉरिटीज़ के अंदर अगर जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होगी तो इतनी बड़ी कम्युनिटी कहीं ना कहीं स्कैटर्ड हो जाएगी। और हमारा ये कहना है इस मुल्क के अंदर अगर सबकी तरक्की होगी तो देश तरक्की करेगा, अगर सबका विकास होगा तो ये देश का विकास होगा। अगर माइनॉरिटीज़ के इतने बड़े मेजॉरिटी को अगर आप साइडलाइन कर डालेंगे और मुसलमानों को बिल्कुल अनदेखी कर डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुल्क कमज़ोर होगा, और हम नहीं चाहते हैं ये मुल्क कमज़ोर होना, मुसलमानों ने भी बढ़ना, जिस तरह से दूसरी जाति के हर धर्म हर मज़हब के लोग बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि दो टूक बोलने वाले हैं अवैसी साहब, न डरते हैं न घबराते हैं, जो दिल में आता है वही करते हैं। लेकिन अवैसी साहब दो टूक इतना बोलते हैं कि लोगों को चुपता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो देश की एकता अखंडता की भी नहीं सोचते हैं। मनोज भाई, अगर मैं आपको कहूँगा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, आपके कानों को कितना अच्छा लग रहा होगा, सुनने वालों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। हम यहाँ पर आए हैं राजनीति के अंदर तो हम सच्चाई बयान करने के लिए आए हैं, और सच्चाई बहुत कड़वी हमारे को इसलिए नज़र आती है मनोज साहब कि आज ये इस मुल्क की सच्चाई नहीं है क्या कि आप किसी भी शहर के अंदर चले जाइए, एक शहर के अंदर दो शहर बसते हैं, एक वो शहर होता है कि जहाँ पर वो रहते हैं, एक ये शहर होता है कि जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर आपको गंदगी मिलेगी, वहाँ पर आपको कहीं पर विकास नहीं मिलेगा, वहाँ पर स्कूल कम मिलेंगे, पुलिस स्टेशन ज़्यादा मिलेंगे। तो हमारा कहीं ना कहीं हमारी नाराज़गी, हमारा गुस्सा यही है कि इस मुल्क की आज़ादी के अंदर हमारा भी उतना ही योगदान है जितना आपका या किसी और का है। तो ये मुल्क सबका है, ये मुल्क किसी की एक की जागीर नहीं है। तो हमारे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये नाइंसाफियाँ हमारे साथ क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप नहीं हुई, हमारी आवाज़ें जो लोकसभा और असेंबली के अंदर पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही थी, जो जा रहे थे वो गूंगे मुक्के बहरे थे, बोलने वाले नहीं थे। आज एक बोलने वाला आ गया तो उसको आप एकदम बिल्कुल ऑड मैन आउट काउंट करते हैं कि यार ये इतना कैसा बोलता है, ये तो बाकी के दूसरे जो MLAs है ये भी तो मुसलमान है लेकिन ये इतना बोलते नहीं है, ये इतना क्यों बोलता है। इस वजह से आज अवैसी साहब अगर खड़े रहते हैं, अगर वो कोई सीधी बात भी करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार इसके अंदर तो ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने का। नहीं साहब, ये देश को हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी बातें। हाँ, लेकिन है हमारी जबान के अंदर कड़वाहट आपको इसलिए नज़र आ रही है कि उस कड़वाहट के अंदर हम है तो कहीं ना कहीं ये नहीं, देखते हैं कहीं ना कहीं नाइंसाफियां हुई हैं। इम्तियाज भाई, आपकी जुबान में तो हमें मिठास नजर आ रही है लेकिन ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो कुछ लोगों को उसमें कड़वाहट नजर आती है, ऐसा लगता है जैसे वो इतना बोल देते हैं कभी कभी कि वो विवाद का कारण बन जाता है। क्या क्या सिर्फ मुस्लिम राजनीति लक्ष्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि अवैसी साहब जब बोलते हैं, देखिए आप, मैं अवैसी साहब के साथ पिछले 5-6 साल से जब उनकी सभाओं के अंदर जाता हूं और मीडिया वालों से भी ये करता हूं, तो उनका भाषण अगर 1 घंटे का है और 1 घंटे के अंदर अगर उन्होंने 59 मिनट्स बहुत अच्छी अच्छी बातें किए तो खबर उसकी नहीं बनती है। 1-2 मिनट अगर उन्होंने कुछ इधर उधर करके बोल दिए तो बस खबर उसी की बन जाती है। हम तो ये कहते हैं कि हमारी अच्छी बातों को भी आप हाईलाइट करिएगा। हम जो अच्छी बातें कर रहे हैं, देश को एक रखने की बात कर रहे हैं, मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की हम बात कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं, जरा सा हमने कुछ कहा कि उसको है तो मुद्दा बना दिया जाता है। कहिए, ओबीसी साहब भी कहें, ओबीसी साहब भी बोलें, आप भी बोले, किसी के बोलने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन 3 तलाक का बिल सरकार लाएगी उसका हम इस आधार पर विरोध करेंगे क्योंकि ये मामला मुसलमानों का है।
370 का हम विरोध करेंगे मुसलमानों के आधार पर करेंगे, जबकि वो देश का मामला है। राम मंदिर के मुद्दे पे, अयोध्या के मुद्दे पे हम बोलेंगे, मुसलमानों के कारण हम बोलेंगे। तो हर चीज को ओबेसी साहब और आपकी पार्टी मुसलमानों के ही नजरिए से देखेगी देश को। देखिए, मैं नहीं, आप ठीक है, ये तीनों मुद्दे हैं, मुझे भी क्लैरिफाई करने के लिए दे दीजिएगा। ट्रिपल तलाक के मुद्दे के मामले में आप ये बताइएगा कि देश का ये इतना गंभीर मुद्दा था कि आप बताइएगा कि जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, साहब अगर गिनती के अगर निकालेंगे आप तो उंगली पे गिने जैसे ऐसे केसेस हैं जो जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब का गलत इंटरप्रिटेशन करके आप इस तरह के कुछ लोग अनपढ़ जिन्होंने इस्लाम की तालीम हासिल नहीं की, जिन्होंने स्कूल गए नहीं है कभी, तो बस उनको ऐसा लगा कि हमने ट्रिपल तलाक बोल दिया। और लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि लोकसभा का अधिवेशन शुरू होता है और सबसे पहला बिल कोई पास किया जाता है या लाया जाता है तो ट्रिपल तलाक बिल लाया जाता है। 370 के मामले के अंदर हमने ये कहा है कि देखिए आपने जो फैसला किए है हम उसका स्वागत करेंगे, मुल्क का मामला है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये मत करिएगा कि हम सत्ता में है, हमारे पास 300 से ज़्यादा आंकड़े हैं तो हम जैसा चाहे वैसा। एक नियम होता है, आप जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना, उसूल ये कहता है, कानून ये कहता है, एक्ट ये कहता है, प्रोसीजर्स ये कहते हैं कि आपने पहले जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के अंदर ये लाना चाहिए था, आप उसको बाईपास कर दिए और सीधा लोकसभा के अंदर लेके आ गए, बहस आपके पास आंकड़े हैं और आप खुश हो गए और आप कहते हैं कि नहीं आपने क्यों सवाल किए हैं, आपने सवाल किए हैं तो अब आप तो देशद्रोही हो गए हैं। तो ये बार बार हमारे को देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने वाले इतने लोग हो गए हैं कि हमारे को ये होता है कि इनको अधिकार किसने दिया है। भाई मुझे बोलने का अधिकार इस मुल्क के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है और मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। ये सरकारें आएंगी जाएंगी, मोदी साहब आज है कल नहीं रहेंगे, कोई दूसरी सरकारें बनेंगी, लेकिन एक प्रोसीजर को अगर आप तोड़ेंगे तो कल दूसरी सरकार जब आएंगी तो वो भी यही मन से उसके हिसाब से काम करेंगे, देखो उन्होंने ऐसा किए थे हम भी वैसा करेंगे। हमारा सिर्फ विरोध इस बात के ऊपर है साहब कि आप प्रोसीजर्स को फॉलो करिए और प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप लेके आइए, आपके पास तो आंकड़े हैं, आपने तो कुछ भी कानून लेकर आ सकते हैं, आपके पास इतने नंबर्स हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, आप पत्रकार से नेता बने हैं ये बात मैं जानता हूं और अपने नेता को अपनी पार्टी का बचाव कैसे करना है ये बाखूबी आप कर रहे हैं। मैं निकल के आता हूं हिंदू मुसलमान की राजनीति, कहीं ना कहीं मनोज भाई आपके भी दिल में है कि बंदा बोल तो रहा है हिंदू बात तो कुछ मैं मान रहा हूं इस बात को, मैं मान रहा हूं क्योंकि एक पत्रकार जब नेता के रूप में बोलता है तो उसके पास मैंने जैसा पहले कहा वो सिस्टम की खामियों को भी जानता है और सिस्टम को कैसे पेश करना है जनता के सामने, अपने मुद्दों को कैसे रखना है एक पत्रकार बहुत बेहतर चीज को जानता है। लेकिन मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति से आम आदमी की बात करता हूं, ट्रिपल तलाक की बात हमने की, अगर मैं मुस्लिम महिलाओं की बात करूं या मैं आम तौर पे महिलाओं की बात करूं, वो किसी भी कम्युनिटी की महिलाएं हो सकती हैं, क्या आप कुछ उनके लिए करते हैं? जी 100%। देखिए, मैं औरंगाबाद शहर के अंदर, मैं और मेरी पत्नी, हम लोग एक NGO चलाते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम बहुत अच्छे वहाँ पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और टोटली मतलब एक रुपया हम लेते नहीं है। बेसिकली उसका कंसेप्ट ये है कि मुसलमानों के अंदर ज़कात निकलती है, वो ज़कात का पैसा जो होता है हम कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ के ऊपर खर्च कर देते हैं कि हमारे दिल को भी तसल्ली नहीं होती है। हम उस ज़कात के पैसे को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जैसा मैं औरंगाबाद शहर के अंदर, और एक बात खास मैं बता दूं कि हमारे ऊपर आरोप तो यही लगता है कि हमसे मुसलमानों की, आप मेरे सेंटर के ऊपर आइए वहाँ पर कोई जाति धर्म, वहाँ पर जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ पर ये कॉलम नहीं होता है कि आप किस जाति और किस धर्म के हैं, वहाँ पर क्राइटेरिया सिर्फ गरीबी होता है। अगर आप गरीब है, अगर आप ज़रूरतमंद है तो आप मेरी संस्था के अंदर आप मोस्ट वेलकम है। तो एक हम वहाँ पर एक भाईचारगी भी किस तरह से तैयार हो रही है, मैं जब देखता हूँ अलग अलग जाति धर्म के मज़हब के सब गरीब बच्चियाँ आती है वहाँ पर मेरे सेंटर के ऊपर और कहीं ना कहीं एक रोज़गार के हम जरिए उनको तैयार करके देते हैं। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे, जैसा हम एक सिलाई का कोर्स अगर चलाते हैं तो 3-4 महीने के बाद जब वो कोर्स कंप्लीट होता है तो मैं चाहूँ तो उनको एक सर्टिफिकेट दे दूँ कि अब आपने सीख लिया, अब आप जाइए। लेकिन कुछ बच्चियाँ इतनी गरीब होती है कि उनके लिए एक मशीन खरीदना भी, तो जितनी बच्चियाँ वहाँ पर सेंटर के ऊपर वहाँ पर सीखने के लिए आती है, 4 महीने का कोर्स कंप्लीट हुआ तो हर बच्ची को हम एक एक सिलाई मशीन है तो देते हैं, नई सिलाई मशीन उनके हाथ में देते हैं ताकि उनका रोज़गार शुरू हो। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इतनी ऐसी बच्चियाँ हैं जो वहाँ पर दोस्त बनी, सेंटर के ऊपर आई तो पता नहीं था कि ये कौन है मैं कौन हूँ करके, लेकिन एक 4 महीने के अंदर रिश्ता बना, दोस्ती बनी, तो ऐसे 4-4 5-5 बच्चियों के एक ग्रुप बन जा रहा है और वो अपने एरिया के अंदर
कि सिलाई का काम स्टार्ट कर रही है, कहीं स्कूल के ऑर्डर्स लेकर आ रही है और अपने पैरों के ऊपर खड़े रह रही है, और इसके लिए हम एक रुपया भी किसी से नहीं लेते हैं। हमारा मकसद यही है कि मैं मेरी ज़कात का पैसा, आप अपनी ज़कात का पैसा, जितना भी निकलता है वो एक अच्छे काम के लिए करें, और टोटल ट्रांसपेरेंसी है। इस वजह से बहुत सारे लोग मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं इस काम के लिए। अच्छा अच्छा इम्तियाज भाई, आप 7वीं लोकसभा के सांसद बने हैं, चुनकर आप आए हैं, आपका आगे विजन क्या है 5 साल के लिए, क्या आपकी प्राथमिकताएं अपने संसदीय क्षेत्र के लिए? देखिए, औरंगाबाद शहर के अंदर मनोज भाई, एक खुशी की बात मुझे ये है कि ये जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें पूरे मुल्क के अंदर भाजपा की लहर थी, मोदी साहब की लहर थी, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, उसके बावजूद भी एक MIM पार्टी का MP वहाँ से चुनकर अगर आता है तो क्या वजह रही होगी? उसकी वजह यही है कि मैं 5 साल जो एज एन MLA काम किया, तो लोगों ने एक सर्टिफिकेट के तौर के ऊपर मुझे दोबारा लोकसभा में जाने का उन लोगों ने ये किया, कोशिश करके मुझे वहाँ पर भिजाया। और इसमें पूरे प्रोसीजर के अंदर कहीं पर भी अगर आप ये कहते हैं कि MIM से मुसलमानों की पार्टी है तो औरंगाबाद में आकर देखिए, बेहिसाब मेरे ऐसे नॉन मुस्लिम लोग थे जिन्होंने मेरे काम को देखा और उन्होंने मुझे वोट दिया, तो उन सब के भरोसे के ऊपर मुझे खरा उतरने का है। उन सबको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा वोट 5 साल के बाद जब वो एहसास करेंगे कि यार हमारा वोट बेकार गया था। मैं उनका जो यकीन है मेरे ऊपर, जो भरोसा है मेरे ऊपर, और जितने भी काम जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है मनोज साहब, मतलब लोग ये समझते हैं कि एक MP चुनकर आ गया हूं तो मेरे पास कोई एक ऐसी जादू की छड़ी है। लोग आते हैं भाई, वो काम सड़क का काम करने का है, तो मैं बोलता हूं दे दीजिएगा, आप निवेदन दे दीजिएगा, मैं करता हूं, तो वो जाते आते पूछता कल शुरू हो जाएगा साहब काम? तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि MP बन गया है, खासदार है, ये सांसद बन गया है, तो इसके पास तो बेहिसाब फंड होता है, और दिक्कतें हमें भी आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ईमानदारी के साथ अगर काम करते हैं, जैसा हमने एयरलाइंस के बारे में बताया, अगर ये काम अगर 20 साल पहले अगर हो गया होता, जैसा 20 साल पहले एक फ़्लाइट ऑपरेट होती थी जो गोल्डन ट्रायंगल को कवर करती थी, मुंबई, औरंगाबाद, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, तो ये गोल्डन ट्रायंगल था और इसके अंदर सिर्फ फॉरेनर्स रहते थे। ये सिर्फ मैंने आने के बाद एक मीटिंग लिया और उसके बाद है तो ये एयरलाइन स्टार्ट हो जाती है, तो आज फॉरेनर्स आ रहे हैं। तो कोशिशें छोटी थी, मैंने बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए, मट्टी काम करना पड़ा मुझे, कुछ भी नहीं। मेरे को आज ये पावर मिला है, मैं मिनिस्टर के पास गया, मैं सिविल एविएशन सेक्रेटरी के पास गया, उनके साथ बैठा, मेरे साथ के औरंगाबाद के भी ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, ये लोगों ने भी मेरा साथ दिया, तो आज औरंगाबाद ग्रो कर रहा है। हम औरंगाबाद शहर को जो एक, या क्षेत्र को जो एक बैकवर्डनेस का टैग लग गया था, वो बैकवर्डनेस का टैग मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ आपको कि 5 साल के बाद अगर आप दोबारा मुझे मौका देंगे कि अब ये सांसद के 5 साल हो गए, जब ये चुनकर आया था तब हमने इससे बात किए थे और 5 साल के अंदर क्या क्या काम किए हैं, अगर उसका लेखा जोखा आप करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि औरंगाबाद की जनता मुझसे मायूस नहीं रहेगी जो भी काम मैं करूँ।